मेरी आज की वीडियो में। और आज हम बनाएंगे सूजी और आलू को मिक्स करके एक चटपटा सा नाश्ता, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इसके लिए मैंने ली है कढ़ाई और उसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा तेल। अब वेट करते हैं हम तेल के गर्म होने का। तो हमारा तेल गर्म हो रहा है, जब तक हम कर लेते हैं दूसरी तैयार। तो हमारा तेल हो गया है गरम। अब डालूंगी मैं इसमें थोड़ी सी ये राई, छोटे वाली सरसों जो होती है वो, और जीरा। जैसे ही हमारा जीरा और सरसों भूनती है, मैं डाल दूंगी इसके अंदर ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये मैंने दो हरी मिर्च को बारीक काट लिया था। तो अब डाल दूंगी मैं इसके अंदर ये मैंने कटोरी भर के ली है एक सूजी की, और दो कटोरी डाल दूंगी मैं इसकी इसमें पानी की। डाल दूंगी मैं ये पानी दो कटोरी के लगभग। देखिए दो कटोरी मैंने पानी डाल दिया है, बंद कर थोड़ी। मैंने दो कप पानी ऐड, और इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच के लगभग ये चिली फ्लेक्स। इसका अंदाजा तो चाहिए, इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच के लगभग ये चिली फ्लेक्स। आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो इसको, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट जाएगा इसमें नमक। और थोड़ी सी डालूंगी मैं इसके अंदर हल्दी, हल्दी पाउडर। मेरी गैस की फ्लेम है बिल्कुल लो पे, और इनको करूँगी मैं खूब अच्छी तरह से मिक्स। पानी में आ गया हमारे बॉयल। अब डालूंगी मैं इसमें एक ये कटोरी भर के मैंने सूजी की ली है, ये कटोरी डालूंगी और इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। देखिए मेरी सूजी थोड़ी सी मोटी थी, इसलिए मैंने इसको मिक्सी जार में चला लिया था थोड़ी सी देर के लिए। अगर आपकी सूजी मोटी हो तो आप इसको मिक्सी जार में थोड़ी सी देर के लिए चला दें। ये सूजी बहुत जल्दी पानी पीती है, तो थोड़ी सी देर में ये टाइट हो जाएगी। और हमें इसको जब तक भूनना है, जब तक ये हमारी कढ़ाई की तली को छोड़ नहीं देगी ना सूजी, और एक डो जैसी नहीं हो जाएगी, तब तक हमें इसको भूनना है। और मेरी गैस की फ्लेम है बिल्कुल लो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सूजी ने सारा पानी पी लिया है, सारा पानी सूजी ने सोख लिया है। ये देखिए बहुत जल्दी ही, ये देखिए। और हमें इसको लगभग 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है, पकाना है। हमारी गैस की सिम है मेरी बिल्कुल लो, और ये जल्दी ही कढ़ाई की तली को छोड़ देगी और एक डो की फॉर्म में आ जाएगी। तब तक इसको हमें चलाते हुए ऐसे ही भूनना है। देखिए हमारी सूजी एक डो की फॉर्म में आ गई है। ये खूब अच्छी तरह से देखिए मिक्स हो गया है सारा सामान इसके अंदर, जो जो हमने मसाले इसमें डाले थे। और ये डो एक डो के जैसी हो गई है। बस हमें इसको इसी टाइम तक, मतलब इतना ही भूनना था, हमें भूनते हुए हो गए हैं इसको 3 से 4 मिनट। तो ये खाने में नाश्ता बहुत अच्छा लगता, आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। और बच्चों को तो खास कर ये खूब पसंद आएगा, और बन के भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है सूजी का। अब मैं गैस की फ्लेम कर दूँगी ऑफ, और इसको होने दूँगी ठंडा, ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और इसको दूंगी 10 से 15 मिनट का रेस्ट, क्योंकि सूजी है ना फूलती है, इसलिए इसको रेस्ट देना ज़रूरी है। तो मैं इस डो को रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख के, और इसको दूंगी रेस्ट। तब तक हमारी सूजी जितनी फूलनी होगी फूल जाएगी। फ्रेंड्स हमारा सूजी का मिक्सर हो गया है ठंडा, ये हल्का हल्का गर्म है। तो अब मैं डाल लूँगी इस मिक्सर में एक ये डाल लूँगी मैं ग्रेट करके इसमें। ये देखिए इससे और भी इसका स्वाद है ना खूब अच्छे से बढ़ जाएगा। तो इसको अच्छी तरह ग्रेटेड करके मैं डाल दूंगी चीज़ को। तो ये मैंने चीज़ भी ग्रेट कर दिया है इसके अंदर। अब मैंने लिया है एक बॉयल आलू, इसको मैंने बॉयल कर लिया था और फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। इसको भी ग्रेट करके मैं इसमें डाल दूंगी सूजी के मिक्सर में। ये देखिए अच्छी तरह से ग्रेट करके डाल दिए हैं। और अभी सारे मिक्सचर को, आलू को, सूजी को, चीज़ को,
हमारे सारे मिक्सर को हाथों की मदद से मैं खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी बढ़िया तरीके से। ये देखिए खूब बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी बिल्कुल। और बन भी ये बहुत जल्दी जाता है, 10-15 मिनट में ही बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए देखिए है रेडी। अब मैं लूँगी इसमें से थोड़ा सा पार्ट, आप अपनी पसंद से कोई भी इसको शेप दे सकते हो जो आप देना चाहो। तो मैं इसको दूँगी राउंड शेप, आप चोर्स क्यूब जैसा आपका मन करे वैसी शेप दे सकते हो। तो ये मैं ऐसे छोटे छोटे गोले बना के इनको रख लूँगी सबको, और फिर करूँगी मैं इनको फ्राई। ये देखिए ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके, और मैं इसके है ना सारे मिक्सचर के ऐसे छोटे छोटे गोले बना लूँगी, और फिर सारे मिक्सर के थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके इसका, और मैं एक छोटे छोटे गोले बना लूँगी। और पहले मैं ये छोटी छोटी बोल बना के तैयार कर लूँगी, और फिर मैं इकट्ठा इनको फ्राई करूँगी। जी की ऐसे गोल गोल बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं, आप जो भी शेप देना चाहो आप दे सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। और अब इसको बस फ्राई कर लूँगी तो हमारा नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा। हम अब ये डाल देंगे हम अपने बोल्स एक एक करके तेल के अंदर, और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर। मैंने सारे बोल्स डाल दिए हैं अपने तेल के अंदर, और इनको डीप फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। ठीक है भर्जी, तो सारी बोल्स मैंने डाल दी थी एक एक करके गरम तेल के अंदर, और हमारी गैस की फ्लेम है बिल्कुल हाई, मीडियम टू हाई, और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है, और ये खूब क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा सूजी का और आलू का नाश्ता बन के तैयार है। ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है, और ये देखिए कितने अच्छी तरह बन के तैयार हुआ है। ये बॉल्स बहुत क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा कि कैसा नहीं लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।